देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले गेस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस मुद्दे पर बहस देखना चाहते हैं और अपने घरों से सीधे पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ मान्या सुमन जुड़ेंगी दिल्ली से, मेघा टंडन जुड़ेंगी गाजियाबाद से, दो मीनाक्षी जुड़ेंगी, मीनाक्षी त्यागी नोएडा से और मीनाक्षी भाटी शेखावत दिल्ली से जुड़ेंगी। ये चार लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बहस का विषय क्या है। दम घोटू प्रदूषण पर कोर्ट ने किसे लगाई सुप्रीम फटकार। आपको सरकार खाना ना मुहैया करा पाए चल सकता है, आपको पानी ना मिले चल सकता है, लेकिन अगर सांसों पर ही आपातकाल लग जाएगा तो आपका क्या होगा। दिल्ली में कमोबेश यही हाल है। दिल्ली में हाल ये है कि अब आप जब सांस ले रहे हैं तो कई पैकेट सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेते जा रहे हैं, ऐसे हालात बन गए हैं। लेकिन हर सरकार कर रही है टोपी ट्रांसफर, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। इसी हीला हवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले ये देख लेते हैं, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। हमने निजात नहीं पाया तो आने वाले समय में दिल्ली किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं बचेगी। बाहर तो बाहर है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सांसों पर अटैक करने वाले प्रदूषण को लेकर सभी सरकारों को खरी खरी सुनाई और एक्शन प्लान गंभीरता से बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई कि आप सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से ही चाहते हैं, चाहे वो पटाखों का मसला हो, पॉल्यूशन का मसला हो, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही आप आदेश लेना चाहते हैं। कार्यपालिका क्या क्या कर रही है। जबकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का बड़ा कारण पराली को बताते हुए दिल्ली सरकार के उठाए कदमों की बात की। दिल्ली के अंदर तो हम 100% स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार सारा काम कर रही है, राज्यों को फंड दिया है, ये सच बात है। लेकिन हमने पर्यावरण मंत्री के साथ जब बैठक की थी तभी कहा था कि इसका ग्राउंड एक्शन प्लान बनाइए। हालांकि बीजेपी ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की गंभीरता पर सवाल उठा दिए। पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए। पंजाब में होना चाहिए, हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है। हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से उठाए गए कदमों पर सफाई दी है। अगे तो ऐसी चाहते हैं कि पराली नो कोई किसान अग ना लावे, ते इस गल दी सख्ती भी सरकार करेगी, लेकिन आज तक पुराने जे कोई पराली दे नाल संबंधित किसी दे परचा है अग लाउण लई वो ऐसी कैंसल कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या लॉकडाउन और इवन गाड़ियां और स्कूलों को बंद करने जैसे तरीकों से प्रदूषण का दम निकाला जा सकता है। स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है मॉर्निंग में जाते हैं, ठंड का मौसम ज़्यादा होता है, तो वैसे पेशेंट जिनको एलर्जिक पहले से रहता है या जो एस्थमेटिक रहते हैं उनमें देखा जाता है कि एक्यूट अटैक ऑफ एस्थमा काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि प्रदूषण से आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है, आखिर सरकारें दम घुटने के बाद ही क्यों जागती हैं? ऐसा कब तक चलेगा? कई साल हो चुके हैं लेकिन इस दम घोटू प्रदूषण से क्या अगले साल निजात मिल जाएगा, इसके कोई संकेत दिखाई नहीं देते क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। इसीलिए जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं उनके बारे में बात होती है, चार दिन के लिए व्हीकल रोक दीजिए, कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए, लेकिन क्या हम कोई लॉन्ग टर्म एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज देश की बहस का सवाल क्या है। देश की बहस का सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक सुझाव से जुड़ा हुआ है, क्या दिल्ली NCR में लॉकडाउन लगाना चाहिए प्रदूषण से बचने के लिए।
यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है, आपको वोटिंग के विकल्प पता है। अगर कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव देना चाहते हैं, आप शो में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ेगा आज, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सबका। लेकिन सबसे पहले चलता हूँ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल राय जी, आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा न्यूज़ नेशन पर, और ये जानना चाहूँगा कहाँ कमी रह गई सरकार के पास, क्योंकि हमको पता ही आने वाला है, हमको पता है इस तरह के हालात बनते ही बनते हैं दिल्ली में, लेकिन कोई भी साल ऐसा नहीं है कि कम हो जाए या निजात मिल जाए, हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, क्यों? नहीं देखिए, दो चीजें हैं। दिल्ली के अंदर जो आज प्रदूषण है, इस प्रदूषण का दो हिस्सा है। एक है जो दिल्ली के अंदर के गाड़ियों से पैदा होता है, दिल्ली के अंदर जो डस्ट के कण होते हैं, धूल उड़ती है, कंस्ट्रक्शन होता है उससे पैदा होता है, दिल्ली के अंदर जो जगह जगह कूड़े जलते हैं उससे पैदा होता है। दूसरा जो हिस्सा है, दिल्ली के NCR के चारों तरफ जो गतिविधियाँ होती हैं उसका प्रभाव पड़ता है। और तीसरा हिस्सा होता है जो इस समय ख़ास तौर से दिवाली के समय में जो पटाखे जलते हैं और पराली जलती है, ये तीसरा घटक जो है इसमें जुड़ जाता है। अब इन तीनों के लिए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान दिल्ली सरकार अपने स्तर पे काम दिल्ली के लिए कर रही है और पूरे साल के लिए कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस हम वर्क कर रहे हैं कि दिल्ली के जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, दिल्ली का जो व्हीकल पोल्यूशन है उसके लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन पिछले अक्टूबर के महीने से ही हम चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर पटाखों पे बैन इस बार 2 महीने पहले ही लगाया गया, जिससे कि लोगों में जो है लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन इस तात्कालिक उसके अभियान के साथ साथ दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो जेन सेट से पोल्यूशन होता था उसको 24/7 बिजली की गारंटी करके हमने दिल्ली में रोक दिया, लेकिन बाहर जो पोल्यूशन है वो आ रहा है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारा CNG पे है, दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बसों को लाने का प्लान कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो है हमने ट्री प्लांटेशन जो पॉलिसी लेकर के हम आए जिससे कि यहाँ के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल मालक है उसके अनुसार ग्रीन बेल्ट जो है 20% होना चाहिए, आज लगभग 22% ग्रीन बेल्ट हम बढ़ा चुके हैं। दिल्ली के अंदर 1500 पलूटेड फैक्ट्री चलती थी पलूटेड फ्यूल पे, 100% हमने उसे PNG में जो है चेंज कन्वर्ट कर दिया। ये कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब अगर आप देखें आंकड़ों की बात अगर आप करें तो अक्टूबर का महीना जो गुजरा है, अक्टूबर के महीने में जो दिल्ली के लोगों ने अपने स्तर का जो पोल्यूशन था उसको जो कम किया और जो मौसम की जो स्थिति थी उन दोनों ने मिला करके पिछले 5 साल में सबसे कम पोल्यूटेड महीना रहा अक्टूबर का। लेकिन दिवाली के बाद इसी शहर में पोल्यूशन का स्तर आप देख रहे हैं कि कहाँ पहुँचा है, 2 गुना 3 गुना कई गुना बढ़ चुका है। तो इसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो करना है हम कर रहे हैं और भी जो करना है बाकी उसको भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि पोल्यूशन का मैटर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्री का मैटर नहीं है, एयर सेट का मसला है। अभी मैं आपके उसमें सुन रहा था कि BJP के नेता कह रहे थे कि पराली वहाँ जलती है, यहाँ पोल्यूशन क्यों है। अगर उनको दिल्ली के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया, उसने लिखित तौर पर कहा कि 35-40% जो है इस दौरान जो है पराली का कंट्रीब्यूशन है। वो बात तो अब वो बात कहने की बात अलग है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इमरजेंसी मेजर्स भी हम ले रहे हैं। लेकिन मैं कई बार कहा हूँ कि ये एयर सेट का मसला है। एयर सेट का मसला जब मैं कहता हूँ तो वहाँ बाउंड्री काम नहीं करती। दिल्ली के तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनके भी रिसर्च सामने आ चुकी है। इसके लिए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बना करके ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा और दिल्ली सरकार समाधान के लिए काम कर रही है। हमने पराली के समाधान के लिए केंद्र सरकार का है पूसा इंस्टीट्यूट, उसके साथ मिलकर हमने काम किया।
ठीक है, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजेशन दिया था कि क्या लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्या सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि हवा की जो स्थिति है सांसें दिन ब दिन और जहरीली होती जा रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी इमरजेंसी मेजर्स के रूप में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया था, तो हमने अभी 17 तक के लिए कंस्ट्रक्शन बैन किया था, उसे 21 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो स्कूल कॉलेज जो संस्थान हैं उनको फर्दर ऑर्डर तक के लिए बंद किया गया है। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम सभी सरकारी विभागों में कर दिया गया है 21 तक। दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियाँ ट्रक्स आते हैं एसेंशियल कमोडिटी के अलावा उन पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी कोरोना काल में हमने काफ़ी लिमिट कर दिया था उसको एक्सटेंडन किया जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर स्प्रिंकलिंग का काम किया जा रहा है, जो 13 हॉट स्पॉट हैं दिल्ली में वहाँ पर अभी जो टैंकर से स्प्रिंकलिंग हो रही है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो वाटर्स जो टैंकर्स हैं उनको भी हम लगा रहे हैं। तो इमरजेंसी मेजर्स ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने एफिडेविट में भी कहा है कि अगर दिल्ली NCR सभी मिल करके अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, मतलब लॉकडाउन पर विचार कर सकती है दिल्ली सरकार अगर पूरे NCR के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहे तो। जी, क्योंकि वो दिल्ली में केवल लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बातें बहुत होती हैं। अब दिल्ली में सारी बस जो है वो CNG पे चलती है, लेकिन अब सारी सराउंडिंग स्टेट से सभी डीजल की गाड़ियां दिल्ली में आके घूमती हैं, तो जितना आप यहाँ कम करते हो उतना आकर के मिक्स हो जाता है। दिल्ली के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, लेकिन अगर गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अगर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, पलवल में, अगर हर जगह कंस्ट्रक्शन होगा तो दिल्ली भी उससे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आसमान में बाउंड्री अभी नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इसको मिलके ही संभाला जा सकता है और इसका समाधान निकाला जा सकता है। अभी इमरजेंसी मेजर्स के रूप में जो जो स्टेप हैं उन स्टेप को लिया गया है। अभी ऐसा अनुमान लग रहा है जो कि 21 तारीख के बाद जो अभी हवा का जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव होगा। अगर बेहतर होता है तो फिर हम उसके अनुसार एनालिसिस करके निर्णय लेंगे, अगर चीज़ें नहीं बदलती हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचेंगे। और नेक्स्ट स्टेप लॉकडाउन होगा? वो और भी जो भी हो सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या किस दिशा में बढ़ता है उसके दिशा के अनुसार हम फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत नाराज है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जो है मिलकर एक साथ काम नहीं कर रही, उनको लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, राज्य और केंद्र सरकार अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी है? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर तो जो इनिशिएटिव हम ले सकते हैं हम लगातार निर्णय ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और मैं इस बात से दुखी भी हूँ, दिवाली के अगले दिन जब सिचुएशन बदली और दिवाली के रात में पराली करीब 5,000 जगहों पर आग लगी अचानक, दिवाली में पटाखे के जो धुएँ थे गूंजे, अगले दिन ही मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए पर्यावरण मंत्रियों की और इसको डिस्कस करके इस पर इनिशिएटिव लिया जाए। नहीं, उस पर कोई उन्होंने जवाब नहीं आया। फिर हमने रिमाइंडर चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। आज मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सभी लोग सक्रिय हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक मीटिंग भी बुलाने को क्यों नहीं तैयार है। क्योंकि देखिए, दिल्ली सरकार सभी राज्यों के साथ वो ज्वाइंट एक्शन प्लान नहीं बना सकती, लेकिन अपने स्तर पे जो हमें काम करना है वो हम कर रहे हैं और हम ये चाहते भी हैं कि ज्वाइंट एक्शन प्लान भी बने। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जितना मैंने आज ये पर्यावरण मंत्री इस पूरी समस्या को समझने की कोशिश की है, ये प्रॉब्लम राज्यों से सॉल्व नहीं होगी, ये एयर सेट का मसला है। इसके लिए ज्वाइंट एक्शन प्लान, ग्राउंड पर मॉनिटरिंग, इन दोनों चीज़ों को जब तक नहीं लागू किया जाएगा इस समाधान के लिए, जो ये इमरजेंसी सिचुएशंस आती है इसको रोकने में कठिनाई आएगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ हरीश खुराना जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में संजीव झा जी जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं इनफैक्ट, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर एस राम हैं, प्रोफेसर और HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के। मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, एम्स के निदेशक रह चुके हैं। सबसे पहले हरीश भाई मैं आपसे शुरुआत करूंगा। गोपाल राय ने कहा कि यह राज्य का मसला नहीं है, लेकिन केंद्र तो कोई कदम उठा ही नहीं रहा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब तक टोपी ट्रांसफर नहीं होगी दिल्ली का समाधान नहीं निकल सकता। अभी मैं गोपाल राय जी को सुन रहा था, गोपाल राय जी ने इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में कह दिया जी पराली बहुत बड़ा कारण है। दीपक भाई, ये छोटा सा डाटा है, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। 163 AQI लेवल है पटियाला का परसों का, 148 है लुधियाना का, 136 है पानीपत का और 157 है करनाल का, लेकिन दिल्ली का है 699। ये मैं आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। अगर पराली ही सिर्फ कारण है दिल्ली के उसके लिए, तो जहाँ से ये ओरिजिन होता है पराली का, पंजाब और हरियाणा में, वहाँ भी तो AQI लेवल लगभग 500-600 होना चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण ये है कि दिल्ली के जो अपने सृजन हैं, जैसे चाहे वो परिवहन पर, अभी इन्होंने बात करी कूड़ा जलाने की, दीपक भाई आप भी, आपके रिपोर्टर्स जगह जगह घूमते हैं, मुझे एक घटना बता दो इस बार एक कूड़ा जलाने की कोई घटना सामने आई हो, एक घटना कोई कूड़े जलाने की सामने आई हो, वो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने बहुत साफगोई से बातें निकल गए कि परिवहन एमिशन नहीं होता दिल्ली, मतलब इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। दिल्ली के अंदर ग्रीन बजट पेश हुआ था, आपको याद होगा, 2 साल पहले क्या वादा किया गया था कि ई बसेस लेके आएंगे, एक भी ई बसेस नहीं आई, एक भी। दिल्ली के अंदर लगभग 11-12 हज़ार बसें की जरूरत है, दिल्ली में 5400 बसें हैं सिर्फ दिल्ली में। सवाल ये है, स्मॉक टावर लगाऊंगा, कितनी स्मॉक टावर लगाई? सिर्फ एक, वो भी CSR फंड से, प्राइवेट कंपनी की, अपना कोई पैसा नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त, लेकिन बात किससे की जाए? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी पर्यटन करने के लिए गोवा गए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री कहाँ हैं? वो चुनावी पर्यटन करने के लिए उत्तराखंड गए हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा इस एक महीने के अंदर। 25 तारीख को वो अयोध्या थे, 29 तारीख को वो पंजाब में थे, 1 तारीख को वो गोवा में थे, 13 तारीख को वो राजस्थान में थे, और अब फिर वो गोवा के अंदर है। तो मुख्यमंत्री, जब दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली वालों को अपने मुखिया की, जो चीफ मिनिस्टर है, वो गायब है। तो ये तो सीरियसनेस इस सरकार की कि दिल्ली का मुखिया गायब होना अपने आप में जब पीक है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डांट मार रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, फैसले ले ही जाने हैं, मुख्यमंत्री गायब है, इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं ना, संजीव झा जी, ये करना है वो करना है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री चेयर करेगा नहीं करेगा? मैं तो गोपाल राय साहब ने कहा कि केंद्र इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, जबकि हरीश खुराना जी का कहना है कि आपके यहाँ सीरियसनेस का अभाव है। ये आरोप सीधे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगा रहे, क्या कहेंगे संजीव भाई? देखिए दीपक भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात करें तो 3 मुख्य कारण हैं। एक व्हीकल पॉल्यूशन, दूसरा डस्ट पॉल्यूशन, और तीसरा पराली से जो पॉल्यूशन होता है, वो 3 मुख्य कारण हैं इसके। अगर मैं दिल्ली की इनिशिएटिव की बात करूं तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करके हमने दिल्ली के जनरेटर से पॉल्यूशन को रोका, हमने जितने थर्मल इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया, हमने क्लीन PNG फ्यूल की व्यवस्था दिल्ली में करी, हमने पराली गलाने को लेकर के हमने बायो डिकम्पोजर के जरिए दिल्ली के किसानों को पराली का गलाया, जिससे ना केवल पराली गला बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए उसकी कोशिश करी। अभी हरीश भाई कह रहे थे कि दिल्ली में एक भी ई व्हीकल्स नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी ज़्यादा अधूरी जानकारी है या लोग सच बताना नहीं चाह रहे। आज भी दिल्ली की सड़कों पर 250 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हम प्रमोट कर रहे हैं, ये तो अस्थाई जो प्रयास कर रहे हैं। दूसरे बात, इमरजेंसी मेजर जिसके बारे में अभी गोपाल राय जी कर रहे थे कि हमने ग्रीन ऐप के जरिए हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, हमने हॉट स्पॉट हमने बनाया है, हमने मैकेनिकल स्वीपर मशीन लाए हैं जिससे हमने एंटी स्मोक गन लाए हैं। मेरा बस इतना कहना है, अब हरीश भाई आप चुप रहिए ना, आप सुन लीजिए।
अच्छे से डिबेट करते हैं ना, अच्छे से डिबेट करते हैं, बारी बारी बात करते हैं। अब मेरा ये कहना है कि जब हम पॉलिटिकल डिबेट में जब बैठते हैं तो हम राजनीतिक बात करते हैं, और ये राजनीतिक दोष, सारी पार्टी कहती है कि राजनीतिक दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, तो प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास कैसे होगा? दो तरह से प्रयास होगी। एक आपने जो कहा कि दिल्ली सरकार प्रयास करेगी, और उसके बाद दूसरा नेबरिंग स्टेट प्रयास करेगी, और केंद्र सरकार की भी एक भूमिका आती है कि केंद्र सरकार गार्जियन की भूमिका में आए, सभी स्टेट को टास्क दे कि आपको अपना ये काम करना है, और फिर उस टास्क पे कौन कितना परफॉर्म करेगा, तब वास्तव पता चलेगा कि वास्तव में कौन सिंसियर है कौन सिंसियर नहीं है। अब इनसे मैं हरीश भाई से पूछ लूं कि 365 दिन में आखिर कितनी बार इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने इस बात को लेकर मीटिंग करी, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग किया, क्योंकि हर हम जब ये मौसम आता है नवंबर दिसंबर में, हम लोग हर बार प्रदूषण को लेकर डिबेट करते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। फिर ये आपका जारा खत्म हो गया, ठंड का मौसम गया, फिर वो सारी बातें खत्म हो जाती है। तो ये 365 दिन अगर प्रयास करेंगे तभी कोई समाधान हो सकता है। मुझे उत्तर भारत में आज स्मॉग है, और दिल्ली एक छोटा स्टेट है, आप कहेंगे दिल्ली के कारण पूरे नॉर्थ भारत में स्मॉग है, ये तो नहीं हो सकता ना। अब कहते हैं ये उन्होंने एक सवाल पूछा स्पेसिफिक, अगर आप पानीपत का बिजनेस कहां चल रही है वो ये जानना चाहते हैं आपसे, बनारस का भी खराब है। मैं दीपक भाई, आप भी बड़े पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। मैंने कहा ना लगभग 248 बसेस आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है दिल्ली के सड़कों पे। तो अगर या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या हरीश झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन सच कौन बोल रहा है, आपसे बेहतर दूसरा कोई गवाह नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग दिल्ली के देश के एक तरह से आंख कान नाक है। तो आप सच बता दीजिए कि क्या दिल्ली में कोई इलेक्ट्रिक बसेस नहीं चल रही है? लेकिन बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा करने में मास्टर हैं, झूठ बोलने में मास्टर हैं। तो मैं इन्हीं सब तूतू में मैं तो नहीं कर सकता, मैं आपको फैक्ट दे सकता हूं। ठीक है, बात हरीश जी की बात सुन लेते हैं, वो आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं। आज भी मीटिंग करने की, अब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कर लिए। ये विधानसभा का चुनाव, ये विधानसभा में इनका जवाब है 29-7 का। लेकिन बारी बारी से बात करें तो ज्यादा अच्छा। विधानसभा की मेरा जवाब नहीं है, और मैं चाहूंगा कि इसको जूम किया जाए। डीटीसी की चल रही है 3760 बसें, जो कि जिसमें से सिर्फ 60 बसें 10 साल से कम की हैं, बाकी 10 साल और 12 साल से ऊपर की हैं, यानी कि बंद होने की स्टेज के ऊपर है। और 1860 बसें चल रही हैं क्लस्टर की, इसमें से एक भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक भी बस बता दीजिए कि जो ई बस चल रही हो यहाँ पे, एक भी ई बस चल रही हो, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। नहीं तो संजीव जा राजनीति छोड़ दे, मुझे बता दे कहां कर किस रूट पर चल रही है, ये चैलेंज हो जाए इस बात को लेके। अब झूठ ना बोले, अब इस बात का आप झूठ मत बोलिए कि दिल्ली में ई बसें चल रही है। अच्छा, एक भी ई बस चल रही हो मुझे बताइए। दीपक भाई, अब दीपक भाई मुझे लगता है कि कल एक बार आप अपने पत्रकार को भेज करके हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पता कर लीजिएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अब यहाँ तो मैं अब इनको प्रूफ नहीं कर सकता ना, मैं तो कह रहा हूँ कि 248 बसें चल रही हैं, आप कह रहे हैं 3800 बसेज हैं, हम कह रहे हैं लगभग 7000 बसेज, 6800 कुछ बसेज चल रहे हैं। तो ये हमारे पास, आपके पास या तो डेटा आपके पास नहीं है, ये आप गुमराह करना चाह रहे हैं। और पता है, मैं खैर नहीं जाता, लेकिन मेरा ये कहना है कि सच या तो जानकारी अधूरी है या आप जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दिल्ली से, दिल्ली से हरीश भाई, संजीव भाई, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, दर्शकों को हम इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ते हैं। और मान्या सुमन, मेरी एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई है, मान्या क्या कहेंगी इस सासों के संकट के बारे में? मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ अपने आसपास में, उन सभी को इससे दिक्कत हो ही रही है। मुझे, मैं अभी बाहर नहीं निकल रही हूँ इसी कारण से, क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और अभी मैं मुझे टॉन्सिल्स हैं तो उससे भी दिक्कत हो रही है मुझे। और अभी स्कूल हमारे खुले थे, फिर से बंद हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है कि बंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों की तबीयत खराब हो रही है इस कारण से। ठीक है, वो स्कूल जा रहे थे। सीधे डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या किया जाए, क्या दिल्ली का ये संकट कभी खत्म होता हुआ आपको दिखाई देता है? क्योंकि सार दल सार हम इसी तरह बातें करते हैं, इसी तरह टोपी ट्रांसफर होती है, कोई लॉजिकल एक्शन प्लान होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्यों, कारण आपको क्या लगता है? देखिए दीपक भाई, ये कारण सबको पता है, अभी
गोपाल राय जी ने भी बड़े विस्तार से बताया, दोनों बीजेपी के और आम आदमी के प्रवक्ताओं ने भी बहुत विस्तार से बताया। इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति और समय चाहिए। आप देखिए दिल्ली एनसीआर में जो वहीकुलर ट्रैफिक है, ये बात हो रही थी कि उस पराली से पंजाब में क्यों नहीं होता, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता, उस उतना होता तो सभी जगह पे है, लेकिन दिल्ली जितना जो प्रदूषण है वो बाकी शहरों पे कम है उसकी मात्रा। उसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली एनसीआर में, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, गुड़गांव हो या और सबर्बन सिटीज़ जो हैं एनसीआर के, उनमें क्यों है, हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल की संख्या है, मोटर गाड़ियों की, दोपहिया वाहनों की और सभी को मिला के, आप मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मिला दीजिए, वो दिल्ली एनसीआर है। पिछले वर्ष अप्रैल में हमने देखा, जब लॉकडाउन लगा था तो नीला आसमान पहली बार बहुत वर्षों में दिखा था, और दूर से लोगों ने जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियां थी उनका भी अवलोकन चंडीगढ़ से किया और लोगों ने किया। तो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण तो वहीकुलर, जो हमारा मोटर गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल, और हमारे यहाँ अभी भी पुरानी गाड़ियां सड़कों पे बराबर चलती हैं, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये तो तब है जब बहुत कम संख्या में हमारे यहाँ लोग चार पहिया वाहन अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत सबसे बड़ा कारण ये है। फिर थोड़ा बहुत पराली से भी उसका एडिशन होता है, और चूंकि टेम्परेचर्स गिर जाते हैं अक्टूबर नवंबर तक आते आते, तो हवा भी थोड़ी सी भारी हो जाती है, और ये मिला के ये सब डेडली कॉम्बिनेशन जो ये बन रहा है पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, और इसका समाधान आज अगर निकालेंगे तो 10 या 15 वर्षों में या 20 वर्षों में होगा। अगर हम कहें कि हमारी इस बहस से कल ठीक हो जाएगा प्रदूषण, या सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, उससे भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका इमीडिएट समाधान किसी के पास नहीं है। क्या आप लॉकडाउन उस तरह का लगा सकते हैं जो पिछले अप्रैल में लगा था? वो संभव नहीं है। तो लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर उनका काम बिना अपनी गाड़ी ले जाए चल सकता है और शेयर करके चल सकता है, हर नागरिक को इसमें जब तक अपना अपना दायित्व तो नहीं निभाएंगे, तो केवल सरकार जितने प्रयत्न कर रही है वो अभी है। काफ़ी नहीं है, चाहे वो दिल्ली सरकार ने किए हो, चाहे वो केंद्र सरकार ने किए हो, वो पर्याप्त नहीं है। और हम इसी प्रकार से रोते झींकते रहेंगे और वो पीटते रहेंगे कि साहब किसका दोष है, केंद्र का है, राज्य का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, उससे कोई समाधान तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, इसी सवाल को लेकर डॉक्टर एस राम के पास चलते हैं। डॉक्टर राम, व्हीकुलर पॉल्यूशन, एक आप सर ने बताया कि कितनी ज्यादा वाहनों की संख्या है, क्या ऑल्टरनेट है इसके लिए, क्योंकि बिना मोबिलिटी के तो आदमी पंगु हो जाता है, हम सब इस बात को समझते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस स्तर का दिल्ली में फिलहाल शायद उस बेहतर तरीके से नहीं है। मेट्रो एक बहुत बड़ी चीज है जो दिल्ली के अंदर बनी, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन है व्हीकुलर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का? देखिए, एक तो सबसे पहले यह है कि हम ज्यादातर जितना भी ध्यान देते हैं हम ट्रैफिक के ऊपर देते हैं कि हमें व्हीकल को मूव करना है, ना कि एक पर्सन के ऊपर। हमें ये देखना चाहिए कि हमें व्यक्ति को एक ट्रांसफ़र करना है। अगर हम मोबिलिटी पे ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट होगी। हम ज़्यादातर ट्रैफिक पे देखते रहते हैं, ट्रैफिक बढ़ गया तो हम कैपेसिटी बढ़ा देते हैं रोड की। आज की तारीख में यह है कि तकरीबन 72% जो रोड है दिल्ली की वो कैपेसिटी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, और उसका नतीजा ये होता है कि जब कंजेशन होता है, और कंजेशन जब होता है तो ये साइंटिफिक एविडेंस है कि स्पीड कम होती है, और स्पीड कम होने से इमिशन और ज़्यादा हो जाता है और पोल्यूशन और ज़्यादा हो जाता है, और जितना टाइम आप कंजेशन में रहते हैं तो आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है। तो वो एक हेल्थ के हिसाब से डॉक्टर मिश्रा ने जैसे बताया कि वो हमारा कंजेशन से एक रीज़न है, लेकिन क्या पॉलिसी होनी चाहिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट खाली जनवरी नवंबर से जनवरी के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरा कैलेंडर हमारा होना चाहिए, कंप्लीट कैलेंडर, कि अगर हमारी कंजेशन हमारा बढ़ता है और ये अगर हमारा पोल्यूशन इस लेवल पे जाके AQI हमारा एम्बियंट एयर क्वालिटी इतना ख़राब हो जाता है तो हमें तब से डिसीजन लेना चाहिए, ना कि
एम्बियंट एयर क्वालिटी जब 300 हो गया तब हम डिसीजन लें। ये बात सही है कि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि दिल्ली पे ध्यान देंगे ये तब भी नहीं हो सकता। हमें रीजन से, नेशनल कैपिटल रीजन से हमें सिटी पे आना पड़ेगा और सिटी से फिर हमें लोकल जो नेबरहुड एरिया है वहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप ये निश्चित करें कि हम डोर टू डोर मोबिलिटी देंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दे सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारा डिस्कशन चलता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब दे दिया जाता है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाते। आंसर पूछो कि साहब चलने के लिए जगह नहीं है, वॉकेबिलिटी नहीं है, फुटपाथ पे चल नहीं सकते। तो जब ये इंश्योर होगा कि आपको डोर टू डोर, मैं घर से चलता हूँ और अपने ऑफिस के दरवाजे तक जाऊँगा, श्योर है मेरी मोबिलिटी, तब ये कंसेप्ट बनेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बीजिंग ने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जारी किया, सिंगापुर ने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया, सिंगापुर ने दोनों काम किया, डिस्करेज भी किया और एनकरेज भी किया। सिंगापुर ने यह किया कि आप सेंट्रल एरिया में आप एंटर नहीं कर सकते, आपको लाइसेंसिंग, आपको कंजेशन प्राइसिंग देनी पड़ेगी। क्या हम उसको कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो आपको दोनों काम करने का, आप प्राइवेट व्हीकल को बैन नहीं कर सकते, लेकिन जब तक बैनेगा जब तक कि आपके पास ऑल्टरनेट साधन नहीं होगा। आपने खुद अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम्स है वो अभी उतना रिलायबल अभी भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इस टाइप से है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में बैठ गए आप चलेंगे, लेकिन वो भी कंजेशन में जाके फंस जाता है। तो कोई मुझे ट्रेवल टाइम में, कोई जाने में मुझे कोई रियायत नहीं मिलती है। तो ये दूसरा है कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं हम उसको किस तरह से एक्सटैगर करें। एक पॉलिसी जहाँ ट्रैफिक की होनी चाहिए, मोबिलिटी की होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए, और दूसरी पॉलिसी जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं हम उसको किस तरह से एक्सटैगर करें थ्रू आउट द पीरियड, के वो जो पोल्यूशन है वो एक टाइम पे मैक्सिमम ना हो और कंजेशन भी ना हो। ठीक तो है, शायद ऐसा करेंगे तो हमें कुछ रियायत जरूर मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। शाजिया, क्या कारण है कि पिछले कई सालों में इस समस्या के विकराल हो जाने के बावजूद राज्य और केंद्र ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कि आने वाले समय में 2025 का हमारा विजन क्या होगा या 2030 का हमारा विजन क्या होगा, क्योंकि इन हालात को संभालते संभालते सालों लगेंगे तब पॉल्यूशन कम होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट से कुछ होना है। बार बार इसकी बातें होती रहती हैं, ये सब अच्छे शब्द हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक्स हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं एजेंसियों में कहने के लिए, बड़े बड़े सेमिनार्स में कहने के लिए। सच तो कुछ और ही है, और सच, कड़वा सच ये है, अगर आप देखेंगे भी CSE की जो रिपोर्ट है, जो कि ग्रीन थिंक टैंक है, वेहिकुलर पोल्यूशन जो है सबसे बड़ा, वो 50% इसका रीज़न है प्रदूषण का। और क्योंकि बसें बढ़ाई नहीं गई हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। मनीष सिसोदिया जी स्वीडन भी गए, फ्रांस भी गए, हर जगह स्टडी करने ज़रूर गए, लेकिन बसें बढ़ाई नहीं गई। ये भी कहा गया कि प्राइवेट बसें बढ़ेंगी, और जो बल्कि बसों की जो जगह थी, सुनिए, नहीं, ये बस जो जो DTC बसों की जो जगह थी वो प्राइवेट बसों को दी गई। सुनिए, असलियत सुनिए, क्योंकि ये सब सच है जो मैं बता रही हूँ, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन लोग इसकी कम बातें करते हैं। ये इश्तहारात की जो का जो वो जो है ना का चमत्कार, कि प्रेस भी कम बातें करती है इसकी। तो मैं बता दूँ आपको, तो पब्लिक बसेस है नहीं, मेट्रो का काम रुकवाना पड़ा बाकायदा, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50% का समझौता है। हरदीप पुरी जी ने, मुझे याद है, 4 साल पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई अपने आपका अपने हक अपने हिस्से का जो आपको पैसा अदा करना है वो तो आप कीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि हमें ऑडिट करना पड़ेगा, आप जो प्रोपोगंडा के लिए खर्चा कर रहे हैं, और आप क्यों बक को पास कर रहे हैं, आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा काम, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जबकि जो सेस मिलता है पोल्यूशन का, यानी कि जो टैक्स का पैसा मिलता है, वो तो दिल्ली सरकार को मिलता है, आपने इसके लिए क्या किया? तो ये सब बातें होती हैं, काम करने से काम होता है, प्लान बनाने से, डॉक्यूमेंट बनाने से कुछ नहीं होता है। और आप क्यों नहीं करना चाहते हैं 2-व्हीलर्स के बारे में कुछ, जो सबसे ज़्यादा, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, और आप क्यों नहीं अच्छा करना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट को, बताइए, क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं, आपकी हिम्मत नहीं वहाँ पर कुछ करने की। तो आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, और आप दिवाली के पटाखों को मना कर रहे हैं जो रीज़न है ही नहीं, आप त्यौहार के एक दिन को में सिर्फ पटाखों को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। आप जरा सोचिए तो, किसको आप बेवकूफ बना रहे हो, कितने सालों से, या 8 साल हो गए सरकार को। संजीव जी, बसों की फ्लीट में इजाफा,
शाजिया के हिसाब से जब से आपकी सरकार आई है ऐसा कोई कॉम्प्रेहेंसिव काम नहीं हुआ जिससे ये पॉल्यूशन घट जाए, इसीलिए संकट हर साल दर साल नया और विकराल होता जा रहा है। देखिए, हालांकि मैं चाह रहा था कि कोई राजनीतिक दोषारोपण में ना जाए, कुछ कंक्रीट डिबेट हो ताकि जनता को समझ में आए। जो बच्ची अभी सवाल पूछ रही थी कि उनका दम घुट रहा है, उसका समाधान क्या है, कई सारे एक्सपर्ट ने यहाँ बताया कि बिल्कुल ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने अपनी छड़ी घुमाया और सब ठीक हो जाएगा। ये लगातार सस्टेनेबल एफर्ट 365 डेज करने पड़ेंगे। और हमने आपको गिना, जैसे दिल्ली ने कुछ प्रयास किया कि दिल्ली ने पहले 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करी ताकि जनरेटर से पॉल्यूशन ना हो। दिल्ली ने जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट किया। हमने क्लीन PNG फ्यूल देने की कोशिश करी। हमने बसों की संख्या बढ़ाया। हमने यहाँ पर पराली गलाने को लेकर के हमने बायोडिकम्पोजर के जरिए पराली गले जले ने उसकी व्यवस्था करी। ये तमाम इसी तरह के और बहुत सारे एफर्ट लेने में, ये कतई नहीं कहता ये बिल्कुल सफिशिएंट है और कुछ नहीं करना। जो भी एक्सपर्ट की राय आ रहे हैं वो हम करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो अभी साजिया जी कह रही थी कि डिपो नहीं बना, देखिए अब बीजेपी को देखिए, अभी ये साजिया जी कह रही कि हम फटाके पर बैन करके हम बड़ा पाप कर रहे हैं। अब बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहां, बताएंगे कि क्या फटाके ज्यादा फूटने से क्या किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ये इसी तरह से ये लोगों को एक्साइट करते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग ऑड इवन व्हीकल्स लाया था हमने योजना, तो इनके मिनिस्टर्स आकर के इनके नेता के उसको तोड़ रहे थे। इसी तरह से अभी हमने जब कहा कि भाई रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, तो ये इन्होंने कहा कि ये मजाक है। तो कोई भी एफर्ट हम दोनों तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक मूवमेंट बने, हर एक आदमी पार्टिसिपेट करे और साथ सरकार पार्टिसिपेट करे, लेकिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रवोक करें। अब ये कह रहे हैं तुगलक जी, अब साजिया जी अब हमें बोलने दीजिए ना, आपने बहुत गंभीरता से सुना, जवाब दे देता हूँ आपको। आज 7,000 बसेस दिल्ली के सड़कों पर है। अब ये अब देखिए, जब हम बसेज ला रहे थे इन्होंने बस रोकने की पूरी कोशिश, इन्होंने शिकायत कर दी कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है कि ये बसेज पंचर नहीं हो सकती, तो आप एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि बसेज ना आए, तो एलजी क्या शिकायत करके बसेज रोक दिया आपने, तो हमें तो कोई तरीके निकालने पड़ेगा ना। फिर हम प्राइवेट बसेस चलाए, प्राइवेट बसेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सरकारी बसेस आने नहीं दे रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। तो ये तमाम ये कोशिशें, एक जो उसको गंदा पॉलिटिक्स करते भाई हैं भाई साहब, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि 50% जब तक पॉल्यूशन है, सरकार जब ये गाड़ी बंद करने से 2 मिनट के लिए जलाने से नोएडा से भी गाड़ी दिल्ली में आ रही है, हरियाणा फरीदाबाद से भी गाड़ी आ रही है, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। इसी तरह से आप नेबरिंग स्टेट में जाएंगे, आप देखिए ईट के चिमनी कितनी सारी, मुख्य कारणों को आप देखिए ना भाई साहब, तो ये 50% हो रहा हो, 11% और लगातार करना पड़ेगा। ये डिबेट केवल नवंबर दिसंबर में ना जनरलाइज ना कीजिए, तभी संभव हो सकता है, जनरलाइज ना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपसे कहा है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल, सुप्रीम कोर्ट ने परसों क्या कहा है, फटकारा है आपको, आप सारा राहुल मेहरा को आपके सीनियर काउंसिल को फटकारा है कि आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, गलत आंकड़े देके गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साजिया जी ये भी कहा है कि आप लोग गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं। दुनिया भर में पराली की बात करें, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं उत्तराखंड 30% फ्री में बांट रहे हैं रेवड़ियां, 10% अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं पंजाब, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं दुनिया भर में, वो जा रहे हैं गोवा, उनके पास हर जगह जाने का टाइम है। बड़ा जोर सबसे बड़ी जरूरत है, ये बड़ी इनकी चिंता है, अरविंद केजरीवाल अगर जाए तो इनको बड़ा डर लगता है। आपको चिंता, बिल्कुल चिंता है कि हम दिल्ली वासी हैं, एक बात हमारे टैक्स से आप जिस प्यार देते हैं, जनता को उत्तर भारत के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन कहां कैंपेन कर रहा है, मतलब ये है जो इशारात आप देते हैं वो हमारे पैसों के साथ आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को बोलूंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, NCR से ही मेरी एक और दर्शक जुड़ गई है। शाजिया, दर्शकों की आवाज भी सुन लेते हैं, संजीव भाई उनकी भी आवाज सुन लेते हैं, और देखिए मेरा गला इतना खराब हो रहा है कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ फिर भी मेरी आंखों से पानी आ रहा है, गला फंस रहा है बार बार, क्योंकि आप 2-2.5 घंटे ट्रेवल करके आते हैं, ये ऑलमोस्ट सड़कें चोक्ड होती हैं जब भी कार, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो। मेघा टंडन गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेघा बताइए, क्या महसूस करती हैं आप इस जहरीली हवा में? सर देखिए, सबसे बड़ा मेरा कहने का ये है मुद्दा कि स्कूल या कॉलेजों को बंद करना ही कोई सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है ना, ये जो हवा में इतना पोल्यूशन है, इतनी स्मेल है, हर घर में बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को आप देख लीजिए, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है सिर्फ मीटिंग्स कर रही है, इनकी बैठकें चल रही हैं, बट कोई भी ये हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरा सरकार से सबसे पहले तो यही विनती है, गुजारिश है कि सबसे पहले तो दिल्ली एनसीआर में एक दो दिन का लॉकडाउन लगाया जाए ताकि चीजें कंट्रोल हो। सबसे पहले सरकार को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी बताइए, अभी तक मैंने जो बहस करी है उसमें सब टोपी ट्रांसफर हो रहा है, डॉक्टर वली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपको भी लगता है कि वाकई इसमें टोपी ट्रांसफर की गुंजाइश है? इतनी गंभीर समस्या, आप आदमी को, आप खुद दिल्ली में रहते हैं, आप आदमी को सांस लेने के लिए माकूल हवा भी ना दे पाए। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल टोपी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग शायद बेकार में बहस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पेरिस बना दिया और बीजेपी ने लंदन बना दिया, और हम बेकार में जो है वो यहाँ पर बहस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोर्ट भी राजनीति कर रही है, इनकी जिम्मेवारी थोड़ी ना है। तो पंडित नेहरू जी, इनको कोई डाटा ही नहीं देते थे, तो कहाँ से ये लोग सॉल्यूशन निकालते? 7 साल हो गए इनको तो वैसे ही बैठे हुए, तो कोई पकौड़े तलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मोदी जी कल भाषण दे रहे थे, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, वीआईपी की जगह यहाँ सांस नहीं लिया जा रहा, बट एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। अभी संजीव झा जी मोदी जी की तर्ज पे झूठ बोल रहे थे, ये कह रहे थे 7,000 बसें हैं। एक आरटीआई का जवाब है, 4,661 बसें थी 2014 में और अब 3,778 बसें हैं, ये अभी 2 महीने पहले का आंकड़ा है। लेकिन झूठ बोलने की आदत मोदी जी ने सबको डाल दी, जो मर्जी बोलो, मीडिया वाले तो अपना ढपली बजाएंगे, ये सब ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है। अप्रैल में टेंडर हुआ तो उसमें टेंडर में क्या किया इन्होंने, भाइयों ने, कि 43 रुपए पर किलोमीटर का उसका मेंटेनेंस चार्ज कर दिया। वो फाइल सीबीआई में अटक गई जाकर, वो भी बसें नहीं आई, एक भी बस नहीं खरीदी इन्होंने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रही है, अभी शाजिया जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अरे भाई मेट्रो का किराया किसने बढ़ाया 2 साल में 3 साल में? तो डबल से ज्यादा मेट्रो का किराया हो गया, और मेट्रो का किराया बढ़ेगा तो क्या होगा फिर, क्या व्हीकल नहीं बढ़ेंगे? क्या दोनों सरकारों को नहीं समझ आ रही थी? लेकिन दिक्कत यह है कि अब शाजिया जी कह रही है कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट जो है वो वैसे ही बस सेमिनार वेमिनार में अच्छा लगता है। तो सरकारें तो भाषणों से चलती हैं इनके हिसाब से। ऑड इवन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो गया, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, मतलब भाषण देखिए मोदी जी का, वो तुकबंदी वाली बीजेपी ने क्या, जो बी टीम ने भी पकड़ी हुई है, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, झूठे एफिडेविट केंद्र सरकार देती है, झूठे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो बकस दो कम से कम, कभी 40%, कभी 30%, कभी 4% को जो मर्जी बता देते हैं पराली पे। जब पराली पे फंसे, अरे बीजेपी वाले इनसे पूछिए ना भाई कि 15 साल से आपकी कॉरपोरेशन है और 47-43% जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है उससे आता है, वो किसके अंडर है? क्या कॉरपोरेशन के पास नहीं है? ये ई रिक्शा कौन चलवा रहा है इतनी, जिसकी वजह से हर रेड लाइट पे कंजेशन हो रहा है? दोनों मिलके, क्योंकि दोनों का वोट बैंक है, कोई एक सॉलिड स्टेप नहीं बताएंगे। सीएनजी हो, कोई बड़ा मेट्रो का जाल बिछे। एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चुप हो जाता हूँ। आप लोग दिल्ली को मार दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए आप लोग, दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लीजिए, जिस तरह से लड़ रहे थे आप लोग अभी। 15 साल तक सरकार रही यहाँ पर, क्या दर्द। मैं बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग दोनों पिछले 7 साल से लड़ाई कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि 2 पैग लगा के बैठा हुआ है कुछ। तो आप बताइए, आप बताइए पंजाब में जब मीटिंग हुई, पंजाब में क्या हुआ? शाजिया जी, फाइन फार्मिंग पर जब फाइन की बात कही गई तो आपने उसे काला कानून क्यों कहा? जब उसमें कहा था जो भी पराली जला रहा है उस पर फाइन होना चाहिए, तब आपने और आम आदमी पार्टी ने इसको गलत क्यों कहा? क्यों कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आप जानते थे कि प्रदूषण का ये हाल है? अच्छा शाजिया, शाजिया आलोक जी को, आलोक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आलोक जी, चन्नी साहब ने आज ही पराली जलाने के जितने परचेस हुए हैं, एफआईआर हुई है, उनको रद्द करने का आदेश दिया है। एक ऐसे माहौल में ये फैसला कैंडिडेट करता है, आप भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं फिर? नहीं नहीं, मुझे एक मिनट, मैं उसका उत्तर देता हूँ। किसानों से जब 6वीं-7वीं मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ दिल्ली में, तब 2 फैसले हुए थे ना, न्यूज नेशन ने भी ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि पराली जलाने के केस वापस होंगे। क्या फैसला केंद्र सरकार ने किया था? चन्नी जी ने किया था।
कि बिजली के बिल और पराली पर ये दो निर्णय हो गए, 50% 60% तो सहमति बन गई। किसके दबाव में किया था? तब तो डपली बजा रहा था मीडिया ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक मिनट, उत्तर पे आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ। चन्नी जी ने लिया ये फैसला। देखिए मैंने बहुत बड़ी बात कही, हमारे कानून में साफ लिखा है कि जो मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ी बात आपने बात को घुमा दिया, थोड़ा सा भी इशारा समझ आया नहीं, आपने बात को घुमाया है। दूसरी चीज, आपने घुमा दी बात भाई साहब, लेकिन मैंने घुमाने नहीं दी बात कही, आपको समझ नहीं आया? आप थोड़ा घुमा के आगे निकल पड़े, आए बाय शाये, आप आए बाय शाये ना कीजिए बात को, मैं चुप हो जाता हूं। आए बाय शाये ना कीजिए बात को। साजिया साजिया, आलोक भाई, आलोक भाई बहुत लंबा बोल लिया, कंक्लूड कर दीजिए, आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए। मुझे एक दर्शन के पास जाना है, नोएडा एनसीआर से जुड़ी हुई है। इसमें दो लोग इकट्ठे बोले, ये ऐसा टॉपिक ही नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का टॉपिक ही नहीं है कि दो लोग इकट्ठे मिलकर बोले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1500 रुपए की जो पर्ची बॉर्डर पर कटती है, फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? आप देखिए कैसा माइंड आपका वायर्ड है कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। क्या सोच है आपकी भैया? मैंने तो बहुत बड़ी बात भी बोली थी, आप लोग दोनों बात कर लीजिए, मैं चुप रहूंगा। जब जब अच्छा, आपको अच्छा, पकड़ लिया गया, कोई कोई नाराज ना हो, मैं नहीं चाहता एक दूसरे के ऊपर बोले, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आप देख सकते हैं मेरे खुद के गले की क्या हालत हो रही है। मीनाक्षी त्यागी नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, उनकी राय लेते हैं, फिर डॉक्टर वली के पास चलेंगे। मीनाक्षी क्या कहेंगी सांसों के संकट पर? सांसों के संकट पर मैं यही कहूंगी कि ये जानकर के बड़ा दुख होता है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर है, उनमें से 9 शहर जो आते हैं वो भारत के आते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा दुखद विषय है कि अभी जो मास्क हम लगाकर घूमते हैं कोरोना की वजह से, मुझे लगता है कि जीवन भर वायु प्रदूषण की वजह से हमारे बच्चों को ये लगा करके घूमने होंगे। अगर हमने जल्दी ही इस पर विचार, मतलब गहन विचार नहीं किया, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के इस पर करें। आज नोएडा में ही जो सीओ रितु माहेश्वरी जी है, उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर लगाया, ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छा ये उन्होंने कदम उठाया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, अब उस पर ध्यान ना देकर के अब शायद अब टावर लगाने की जरूरत होगी कि हर जगह जो है अब टावर लगाए जाए, जिस तरह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में खेलने के लिए उनको इसलिए नहीं भेजा जाता है कि इतना ज्यादा प्रदूषण है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको खांसी जुकाम एलर्जी हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय, खाली वाहन ही इसका कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता। ठीक है, ठीक है, सीधे मैं डॉक्टर एम वली के पास चलता हूँ। डॉक्टर एम वली क्या कहेंगे उन माँ बापों को, बच्चों को कैसे प्रिकॉशन रखें? और मेरे ख्याल से अब तो ये गुंजाइश भी बहुत कम बची है कि प्रिकॉशन इस हालात में रख पाए। देखिए, आपका गला और आज का जो आपका टॉपिक है सांसों का संकट, उस पर आज सुप्रीम संवाद हो चुका है और आज की डिबेट बहुत अहम है, बहुत सीरियस है। और जो अभी हमारी दर्शक बता रही थी नोएडा से, उनका जो संवेदना है, मैं उनके साथ हूँ। बहुत कोशिश के बाद बच्चों के स्कूल खुले थे, बच्चों में एक उत्साह था। और एक हमारा GK1 का स्कूल है स्प्रिंग डेल्स, उसमें तो ढोल नगाड़ों के साथ बच्चों का स्वागत किया गया था। तो ये दिखाता है कि किस तरह से बच्चे और माँ बाप उनके स्कूल भेजने में उत्सुक हैं। लेकिन ये हवा, जिसको मैं कहता हूँ ये सांस लेने के काबिल ही नहीं है, इसको मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, ये सुप्रीम संकट है सेहत के लिए। एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका गला इस बात की गवाही दे रहा है। और ये सांस लेने के काबिल बिल्कुल नहीं है ये हवा। मैं राष्ट्रपति के साथ जी के साथ एक बार चिली गया था, वहाँ इसका 1/10 पॉल्यूशन था और वहाँ सब पूरे कारकेड में ये बात हो रही थी कि चिली बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, हम उससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं उसमें, उस बात वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वी हैव टू सिट टुगेदर, ज्वाइंट आवर हैंड्स, ज्वाइंट आवर हेड्स, और इसका कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालना है। इसमें कहीं ना कहीं हवा की स्पीड को भी दखल है, इसमें कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक से निकलने वाला पोल्यूशन भी है जो अभी तक मुद्दे में नहीं आया, हम अभी पराली के लेवल पर अटके हुए हैं। ये सब चीज़ें मिला जुला के, जैसे हमने रिवेंज टूरिज्म पे एक प्रोग्राम किया था दीपक भाई, ये रिवेंज आउट पर हो रहा है लोगों की गाड़ियाँ बाहर निकाल के घूमने का। ये लोग पिछले जो लॉकडाउन में घर में थे, अब उनके अंदर एक स्प्रिट आ रही है बाहर जाने की, और जाम की वजह से वही गाड़ी जो सड़क पर, बिल्कुल नहीं 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 नॉन पॉलिटिकल, यही नया भारत है, आप कैसी बात कर रहे हैं?
आप तो बिल्कुल ऐसी कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम चांद पे पहुंच गए, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, केजरीवाल जी केरला में जाके ऑर्डिनल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं वली साहब। नहीं गलत बात है, ये पंडित नेहरू जी जो है कोई डाटा नहीं देके गए इनको। बातें कर रहे हैं आप, थोड़ी संजीदगी लाइए। नहीं नहीं मैं तो बात कर रहा हूं, थोड़ी संजीदगी लाइए, फायदे से बात कीजिए। देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहिए आप दोनों मिलकर, यहाँ पर लड़ते रहिए, यहाँ पर बैठकर उपदेश दिलवाते रहिए सब लोगों से, सांस लेने के लिए है नहीं यहाँ पर। इवेंट मैनेजमेंट करते हैं रोज मोदी जी, देखिए पंजाब में जाकर चुनाव लड़ेंगे, गोवा में जाकर चुनाव लड़ेंगे, यहाँ बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। दीपक भाई दीपक जी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोती बाग रेड लाइट से लेकर वसंत विहार तक चौक तक 6 होर्डिंग लगे हुए हैं केजरीवाल की फोटो के साथ, 1 लाख रुपए से कम का 1 होर्डिंग नहीं है। पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, 1500 रुपए पॉल्यूशन को रोकने के लिए होर्डिंग लगे हुए हैं, 3 किलोमीटर के पैच में 6 होर्डिंग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले अपने आप को प्रासंगिक बनाइए, फिर कोई प्रासंगिक विषय पे डिबेट कीजिए। एक मिनट सेकंड हाफ में मैं बात करना चाहता हूँ, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। कई सारे सॉल्यूशंस हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, हमने कल कुछ सॉल्यूशंस के ऑप्शंस बताए भी थे। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो हमने बहुत आरोप और प्रत्यारोप देख लिए, लेकिन इस आधे घंटे में मैं बात करना चाहूंगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज अगर काम करना शुरू करेंगे तो शायद 10 साल 15 साल बाद जाकर एयर क्वालिटी सुधर पाएगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, जादू की छड़ी घुमाने से कुछ भी नहीं हो पाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़िया अल्मी जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, मेरे साथ डॉक्टर एस राम हैं, प्रोफेसर और HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के। लेकिन सबसे पहले एक और दर्शक मीनाक्षी शेखावत दिल्ली से, आज हमने सभी NCR के दर्शक रखे हैं ताकि समझ सकें कि हमारे दर्शक क्या महसूस कर रहे हैं। मीनाक्षी जी क्या कहेंगी सांसों के संकट के बारे में? जैसा कि मैं देख रही हूँ और कब से सुन रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा। मैंने 3 इसके तरीके सोचे जो मेरी एक विचार है, मुझे नहीं पता आप कितना उससे सहमत होते हैं। सबसे जरूरी है वैक्यूम क्लीनिंग सड़कों की, जो कोई नहीं करता है। आप सड़क पे निकलते हो, टायर्स के धुआं के कारण पूरा मिट्टी पूरे वातावरण को भर देती है और हम फिर प्रदूषण को दोष दे रहे होते हैं कि भाई प्रदूषण हो रहा है, पटाखों के कारण हो रहा है, हमारे पास जितने भी ये फसल जलने के बाद में जो धुआं उठ रहा है उसके कारण हो रहा है, वो गंदगी कोई नहीं देख रहा है। दूसरा, लोगों की विलासिता, जो कि सार्वजनिक व्हीकल को यूज करना ही नहीं चाहते, उनको ये लगता है कि मुझे मेरी ही कार से जाना है, मुझे दूसरे की कार को पूल नहीं करना, मुझे मेट्रो नहीं लेना, मुझे बस नहीं लेना, हमें हमारे ही व्हीकल से जाना है। तो ये भी पॉल्यूशन को बढ़ाने का सबसे मेजर कारण है। तीसरा, मुझे लगता है जो हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम इस पे काम नहीं कर रहे, इस पे काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एडवर्टीजमेंट पे ध्यान ना दें, हम इस चीज पे ध्यान ना दें कि पटाखे बंद करने हैं नहीं करने हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है नहीं करनी है, हमें बहस करनी है नहीं करनी है, सिर्फ एक काम करना है, अपनी जगह से ये गंदगी, हम नहीं चाह रहे कि सब लोग मिलके लगे, अपने अपने एरिया के पास में क्लीनिंग करने लगोगे ना, ये वैक्यूम खत्म होगा। अपने घर के बाहर के पेड़ों को धोना चालू कीजिए ताकि उनके ऊपर जो धुआं है वो हवा के साथ में प्रदूषण ना फैलाए। कोविड का जितना डर था उतना डर किसी और बात का नहीं था हमें, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता कि जो ये स्मोग हमारे चारों तरफ फैला हुआ है ये कोविड से भी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी, बहुत खतरनाक है और ये हमारी जो एवरेज आयु है उसको लगातार कम कर रहा है, हम महसूस ही नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जीवन लगातार छोटा होता जा रहा है। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। मैं सबसे संजीव झा जी, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इस समस्या का? आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहेंगे, आप खुद समझते हैं इस दिल्ली के आप विधायक हैं। देखिए अभी जो दर्शक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि इनको दोनों तरह से प्रयास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कंटिन्यूड एफर्ट और साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन।
मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार ने अभी कुछ किए, जैसे मैंने पहले कहा कि चौथे बिजली की व्यवस्था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स, आपको सीएनजी व्हीकल्स का प्रमोट करना पड़ेगा आपको सड़कों पर, आपको जो थर्मल प्लांट है, जो एनसीआर रीजन में थर्मल प्लांट हैं, उसको आप कुछ तकनीकी को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। आप ईंट की भट्टी देखिए, आप चारों तरफ देखिएगा ईंट की भट्टी बहुत सारे हैं, उसको नई तकनीकी से जो टेक्नोलॉजी आया है बहुत जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से एनसीआर रीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ई व्हीकल्स, आपके सीएनजी व्हीकल्स को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी सजेशन दिया कि जितनी मैकेनिकल स्वीपिंग जो मशीन्स हैं उसको लगाना पड़ेगा आपको, स्मोक गन आपको लगाना पड़ेगा ताकि ठीक से सभी जगह पे आपको धुलाई, पेड़ों की धुलाई, जगहों की धुलाई हो पाए। मुझे लगता है ये सारे एफर्ट ना केवल दिल्ली बल्कि सभी नेबरिंग एनसीआर रीजन में सबको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब हम डिबेट में बैठते हैं तो मुझे लगता है ये हम लोग जो एक दोषारोपण करते हैं जनता वो नहीं सुनना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है, कितना सीरियस है हमारे मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर हम सब लोग एक डायरेक्शन में काम करें और साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसमें फिर केंद्र सरकार को एक मुख्य भूमिका में निभाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, केंद्र सरकार एनफोर्स कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही अधिकार है कि सभी स्टेट को एनफोर्स करने का आपको यह करना है। तो मुझे लगता है जब तक हम सब लोग ये राजनीतिक तूतुम में से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये कोई ठोस समाधान नहीं मिलने वाला, और राजनीतिक दोषारोपण से पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला, इसे खत्म नहीं होने वाला। तो एक कॉन्क्रीट प्लान की जरूरत है और वो प्लान सभी स्टेट पे इंप्लीमेंट हो, और मुझे लगता है लगातार मीटिंग की जरूरत है। केंद्र सरकार लगातार हर महीने मीटिंग करे, ना केवल ये नवंबर दिसंबर या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, बल्कि मुझे लगता है कंटिन्यूस मीटिंग, कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत है, तभी कोई सकारात्मक प्रभाव हम साल दो साल में देख सकते हैं। इसका कोई ये अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि हमने घुमा दिया और प्रदूषण खत्म हो गया। ठीक है संजीव जाजी, आपने कई सारी बातें कही लेकिन करना भी आप ही को है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। मैं सीधे शाजिया के पास जाऊंगा। शाजिया, क्यों गार्जियन की भूमिका नहीं निभा रही है केंद्र सरकार? संजीव झा ने यह बात कही कि गार्जियन की भूमिका निभानी पड़ेगी केंद्र सरकार। देखिए नहीं, मैं जो मेरे भाई संजीव ने जो बातें कही है, मैं कहूंगी उन सब बातों से बचना पड़ेगा अगर वाकई में कुछ काम करना है। तो ये सारी की सारी बातें कही हैं, उन सबको हाथ जोड़कर दरकिनार करना होगा और इसी बात से बचना होगा जो उन्होंने कही हैं कि ठोस प्लान हो, प्लानिंग हो, और सरकारों पर जाइए, जनरलाइज कर दीजिए, एक भी ठोस कदम ना उठाइए, एक भी कॉन्क्रीट बात का जवाब ना लीजिए। ठोस बातें क्या हैं? क्या है मुख्य कारण? वेहिकुलर पॉल्यूशन, यानी कि वाहनों से के वजह से जो प्रदूषण है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? टू व्हीलर्स की। आपको देखना पड़ेगा इसका निवारण कैसे होगा। अभी आलोक भाई ने बहुत सी बातें बताई, और आलोक भाई मेरे पास प्यारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि केजरीवाल जी जो झूठ बोलते हैं वो भी मोदी जी की वजह से बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि संजीव जी भी अगर झूठ बोलते हैं और केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं वो भी मोदी जी ने सिखाया है। तो वाह, क्या शानदार जादूगर हैं हमारे मोदी जी कि उनको भी झूठ बुलवा रहे हैं वो। तो बहुत ही, आपने तो कमाल की बात कह दी। पर आलोक भाई ने एक और बहुत अच्छी बात कही जो आरटीआई का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बसें कैसे कम हो गई हैं। तो जो स्टडी करने पहुंचे थे मनीष जी, पूरे यूरोप का चक्कर जो लगा रहे थे वो एक वक्त में जब यहाँ पे चिकनगुनिया फैली हुई थी उस टाइम, तो पता नहीं उसका नतीजा क्या हुआ है, लेकिन बसें कम हो गई हैं, बसें बड़ी नहीं हैं। और बहुत बातें हो रही थी इलेक्ट्रिक बसों का, ये सब। तो ये है ठोस समाधान, अगर आप मास और अगर आप टू व्हीलर्स को कम करेंगे, क्योंकि उसके वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी वही है, आपको कहना पड़ेगा कि ये इंजन बंद और बिजली कम और ये सब ना करें आप, इस तरह के इन चीज़ों से बाज आएँ। और पराली की वजह से सिर्फ 4% है पोल्यूशन, तो इसलिए आप और स्टेट्स में भी जाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं इसके का कोई फ़ायदा नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इंडस्ट्री, ये तीसरे और चौथे बड़े कारण हैं। इसमें आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी नज़र रहेगी, इसमें आपकी एमसीटी मदद कर सकती है। मैं क्योंकि सच बोलती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। और जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आपके अंडर है, सारे लाइसेंसेस भी वहाँ से आते हैं, इसमें आप एमसीडी की तरफ क्यों देख रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे कहा है कि आपको क्या चाहिए कि आप 8,500 किलोमीटर की रोड्स को सफाई करें, तो उन्होंने कहा ये हम जानते नहीं हैं। बड़े बहुत ही मासूम तरीके से राहुल मेहरा जी ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई ये तो हम जानते नहीं है, ये एमसीटी वाले बता दे तो हम कर लेंगे। इस पर झाड़ा है और लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप क्यों नहीं जानते हैं, ये सरकार आप चला रहे हैं, आप इस किसी और की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये भी अब हम बताएंगे आपको। और जितना आपकी ऑडिट होनी चाहिए, जो आप अपने पॉपुलैरिटी के लिए और अपने प्रचार के लिए जो आप रोजाना इश्तिहार दे रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों से बाज आए। और मैं कहूंगी पूरी तरह से जो जो बातें आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे भाई ने कही है, उन सब वो रेसिपी है, वो तरीका है कुछ ना काम करने का, बस वही छोड़ दें आप तो काम हो जाएगा, बस ये ना कीजिएगा जो आप कर रहे हैं अभी। आलोक शर्मा जी बताइए आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा, इसी से बचिए। देखिए मुझे लगता है कि इस समय पर बात आई दोषारोपण की, तो कौन दोषारोपण 7 साल से सबसे ज्यादा कर रहा है वो पूरे देश ने देखा है। मेट्रो के किराए इन दोनों को बैठकर तुरंत कम करने चाहिए। पिछले 7 साल के अंदर जब से मोदी जी और केजरीवाल जी की सरकार आई है, मेट्रो के किराए 176% बढ़े हैं। मेट्रो के किराए तुरंत कम होने चाहिए ताकि टू व्हीलर्स का बर्डन कम हो। दूसरा, बसेस की संख्या बढ़नी चाहिए जो उल्टे घट रही है। तीसरा, कंजेस्टेड जो एरियाज हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पर ट्रैफिक का जाम डेली लग रहा है, उसके ऊपर एक कमेटी बन के उसके उस पूरी तरह से वहां पर डी कंजेस्ट कैसे किया जाए, ये केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के पास है। अभी कह रहे थे कि साहब वो एक वैक्यूम क्लीनिंग की बात आई, मुझे याद है केजरीवाल जी एक वैक्यूम क्लीनर जो मशीन आती है उसके सामने आधा किलोमीटर पैदल चले थे मनीष सिसोदिया जी, और बड़ा फोटो शूट हुआ था। लेकिन दोनों को मुस्कुराने की बात नहीं, साउथ एमसीडी में 17 मशीनें जो वैक्यूम क्लीनिंग की हैं, ट्रक माउंटेड हैं, एएमसी के बगैर साउथ एमसीडी में खड़ी हुई हैं पिछले 1 साल से, उनको चलवा लीजिए आप जरा। 30 रुपए की पर्ची कटती थी बॉर्डर पर टैक्सी जब दिल्ली में घुसती थी 2013 में जब हमारी सरकार थी, आज 100 रुपए की पर्ची कटती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। 1500 रुपए छोटे टेम्पू पर और 3000 रुपए की पर्ची एनवायरमेंट से कटता है बॉर्डर पर ट्रक का, वो कहाँ जा रहा है। पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तराखंड में, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं आप, और दिल्ली को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो जो पैसा दिल्ली वासियों के लिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगना चाहिए, ये दोनों लोग शांति से बैठें और उसके बाद काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है, आलोक भाई को ये बड़ा दर्द है कि हम पंजाब चुनाव लड़ रहे हैं, हम गोवा चुनाव लड़ रहे हैं, हम उत्तराखंड चुनाव लड़ रहे हैं, मुझका आप कहीं भी चुनाव लड़िए पर दिल्ली को ऐसे हालत में मत पहुंचा दीजिए ना। और ये कोई हंसने की बात नहीं है संजीव भैया जी, आप हंस रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर एसराम के पास चलता हूँ। डॉक्टर एसराम, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं बारापुला चढ़ता हूँ मेडिकल से, और बारापुला से मुझे डीएनडी पर उतरने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। बारापुला क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त अगर मैं पी कार पे चल रहा हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ज़्यादातर हो क्या रहा है कि हम एक्सप्रेसवे बनाते हैं या जो प्राइमरी रोड होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी नेटवर्क है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो जितना हम टाइम सेव करते हैं वहाँ पर बड़ा पुला से, और आगे जितने भी एरिया है मर्जिंग डाइवर्जिंग एरियाज हैं वहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन का ट्रैफिक मर्ज होता है, तो ये अक्सर देखा गया कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन आपने एक सेक्शन को आपने क्लियर किया, वहाँ से आप तेज़ भागते हैं, आगे जा करके फिर जाम में चल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने एक रोड को एक इम्प्रूवमेंट में डाला तो आपने एरिया बेसिस पे नहीं किया कि उसको आगे पूरा का पूरा एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट देना है, ये हमें तो एक तो ये प्रॉब्लम है। और ये अक्सर प्रॉब्लम हर जगह मिलेगी। आप मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि अच्छी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, आप जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो सारा का सारा आप कंजेशन आप ईस्ट दिल्ली में फंस जाएंगे। आप वहाँ से आएंगे तो फंस जाएंगे, ऐसे ही वहाँ से सरायकाले खा के आप आएंगे तो वहाँ पर फंस जाएंगे। तो ये अक्सर देखा गया कि इसमें इसी वजह से मैंने बोला कि, और ये हर जगह पे होता है कि अगर आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं तो आपको यह है कि 5 किलोमीटर के उसके एरिया के आसपास का एरिया का आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसी लेंथ पे आप काम करेंगे। अब जितना बढ़िया हमने अपना एयरपोर्ट की एक्सेस रोड को बनाया, सरदार पटेल पे आके हम फिर फंस जाते हैं वहाँ पर उसी रोड पे। ये नॉर्मल सी बात है, सब जगह हो रहा है। मैं दीपक जी, मैं एक थोड़ा सा समय लूँगा इसमें, बस ये ध्यान देने के लिए कि अगर एक शहर में कंजेशन चलता रहा, मैं आपको बताता हूँ 90s में इतना कंजेशन था उस टाइम पे सिटीज़ में, दिल्लीज़ में,
और उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीएनजी बसेस वगैरह आई थी, लेकिन वो टाइम था कि जब गुड़गांव की तरफ, नोएडा की तरफ लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया था। तो जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग से हूँ, तो हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी डिजायर ही बदल दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग समझें कि ये शहर रहने लायक नहीं बना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक इंडेक्स तैयार किया, लिविंग इंडेक्स। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ चलना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम सब के सब भूल रहे हैं, किसी ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया, एक जो पैदल चलने वाला ट्रैफिक, ट्रैफिक सारा दिन ट्रैफिक की ही बात करते रहते हैं। अब 15-20% वो है कि जिसको एक कुछ नहीं चाहिए, एक स्पेस चाहिए चलने के लिए। अब जब चलने के लिए स्पेस नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ये भी देखने का है कि हम ये ना हो कि सारा काम ट्रैफिक पे ही ध्यान दें। अब वॉक द सिटी, क्या ऐसी कोई रोड है या बहुत रोड है या शायद गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है। और मैं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की दोनों कमेटी में हूँ। मैं उस कमेटी में भी था जिसमें कि 10,000+ बस को रेकमेंड किया गया। मैं उस कमेटी में भी हूँ जो कहीं ना कहीं लिविंग इंडेक्स को डिसाइड करता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, सब अच्छी तरह से बात करते हैं कि सिटी को हम सुधारेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर जरूर रहता है। तो हमें प्रोग्राम फेलियर रहता है, लेकिन फेलियर क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से मुझे 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 लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लाइन तय करती है और पिसता है आम आदमी। और दिल्ली में जो सांसों का संकट है वो विकराल है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के 80% लोग ये मानते हैं, एनसीआर के 80% लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।